हेलो एवरीवन, गायत्री की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कोथम्बीर कतली। आइए देखिए इन सब की सामग्री। एक बाउल बेसन है, आधी चम्मच लाल मिर्च है, एक चम्मच हल्दी पाउडर है और ये धनिया पाउडर है एक चम्मच, एक नींबू का जूस है, नमक स्वाद अनुसार है, एक हरी मिर्च है जो हमने काट के रखी है, ये हरा धनिया है जो हमने बारीक काट के रखा है, 20-25 मटर के दाने हैं जो हमने क्रश करके रखे हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये तड़का के लिए है, सरसों के दाने हैं, हींग और जीरा है, कुछ करी पत्ते हैं। पेस्ट तैयार हो जाएगा फिर एक चम्मच तेल डालेंगे। अब हम कोथम्बीर कतली के लिए पेस्ट तैयार करते हैं। एक बाउल बेसन डालेंगे, इसमें पानी लेंगे थोड़ा, सारा पानी नहीं मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे, पेस्ट अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पेस्ट चिकना हो जाए। इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने, धीरे धीरे मिलाएंगे। हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। मिर्ची डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, एक चम्मच हल्दी थी हल्दी डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, धनिया डालेंगे, क्रश करी हुई मटर डालेंगे, नींबू डालेंगे, नींबू का जूस जो हमने निकाल के रखा था, एक चम्मच तेल डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब तड़का तैयार करते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हींग और जीरा डालेंगे। सरसों के दाने डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे, अब इसमें ये पेस्ट डालेंगे। इसको चलाते रहेंगे। जो भी बर्तन लें मोटे तले का लें ताकि इसमें नीचे जले नहीं। इसे कंटिन्यूस चलाते रहते हैं, नहीं तो नीचे लग जाता है। और कम से कम 10-15 मिनट तक पकाएंगे इसे। अब गाढ़ा हो रहा है, कोथम्बीर हमारा पक चुका है। अब इसे थाली में पलट लेते हैं। थाली में हमने तेल लगा रखा है, अब इसमें कोथम्बीर पलट लेते हैं। अब इसको इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। अब इसको सेट होने के लिए 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हमारी कोथम्बीर सेट हो चुकी है, अब इसमें कट लगा लेते हैं।
अब एक एक कतली उठा करके फ्राई करेंगे। कतलियाँ हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, अब इसे सर्विंग ट्रे पर निकाल लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।